गेरिम जी, बोले बहुत दिन से हमें तोरा चाहे छियो, तो हमरो ज्ञान अठोर फुले जे तो कुछ करें दिक्कत। एक छोटी सी बकरी है, कति ने मोनी लेबी? हमरा माय बाप तोरा काती तरह खियन देत? अरे तोरा लेली कतल भी तैयार छिय हमे, दूध थाप तक खाय लायक त छबे कर, दूध थाप तक न घोलती जे मां घोलती जी बा घोलतबे तोरा ले। मधेपुरा जिला के आलम नगर में है, अभी मुझे पता लगा है कि इसी घर में, आपको जो घर देख रहे हैं इसी घर के अंदर में बिट्टू राज और रिमझिम जो है, जो कॉमेडियन किंग कहा जाता है, इसी घर के अंदर में छिपा हुआ है। मुझे अभी किसी से पता चला है तो मैं अचानक सोचे कि इसका वीडियो बनाते हैं, आइए देखते हैं कहाँ छुपा हुआ है। आइए यहाँ पे, इसी यहीं पे आपको रिमझिम और कहीं ना कहीं यहाँ बिट्टू राज मिलेगा। इसी वक्त यहाँ पे इसी आंगन में शायद मुझे पता लगा है कि यहीं पे कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आइए इनसे देखते हैं, यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हुए इनसे पूछते हैं। अरे सर जी, यहाँ पे रिमझिम और बिट्टू राज है क्या? कहाँ है? आइए आइए दिखाते हैं, दिखाते हैं। आइए यहीं पे हम कहीं मिलेगा हमको। आइए आइए, देखिए देखिए, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। यहाँ बिट्टू और रिमझिम यहाँ पर मिल हमको मिला है। अरे कहाँ भाग रहे हैं आप? भाग नहीं रहे थे, थोड़ा लोकेशन देख रहे थे शूटिंग। अरे आप चुपचाप आ जाते हैं, मीडिया वाले को खबर भी नहीं करते हैं। आप इतना वायरल हो गए हैं कि आजकल मीडिया इंटरव्यू नहीं देते हैं आप। वैसा कुछ भी नहीं, इतना वायरल नहीं हुआ है जो। नहीं नहीं, आप मुझे पता लगा, हम कितना आदमी पूछे हैं तो आप हर जगह बता के आए हैं कि हम मतलब इधर छुपे हुए हैं, किसी को मत बताइएगा यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। देखिए शूटिंग करते हैं, हल्ला होता है ना, इसी कारण हो सकता है। हाँ बोले हैं कि इधर जो आइएगा तो बताइएगा ना, क्योंकि शूटिंग जब करते हैं ना काफी भीड़ लग जाती है। अचानक मुझे पता लगा है कि कहने की बिहार में, पूरा बिहार में जितना सोशल मीडिया आप लोग दोनों कब्जे किए जा रहे हैं कि अचानक वायरल हो रहे हैं, आप मीडिया इंटरव्यू देना भी नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए। देखिए छुट्टी नहीं मिलता इसी कारण, इंटरव्यू तो अभी 4-5 को आया तो हम दे दिए। अच्छा 4-5 आ चुके हैं। अब बताइए हमको सर, इधर पता लग रहा है कि मतलब रिमझिम और बिट्टू राज यहाँ छुपा हुआ है, हमको मालूम भी नहीं चला। और कहीं ना कहीं हम इस घर को देखे, मुझे इसका गाड़ी बाहर में लगा हुआ था, तब मुझे पता नहीं है ना छुपेंगे वो, डकैत नहीं है। तो आप इधर शूट कर रहे हैं क्या? जी इधर शूट करेंगे, इधर है धमाका भी शूटिंग हुआ। और रिमझिम जी अब कैसे हैं? आजकल खाना उना नहीं खाते, दुबला पतला हो गया क्या? खाए थे लेकिन शूटिंग के दौरान इतना मेहनत होता है तो इसीलिए दुबला पतला। अरे इतना मेहनत भी नहीं किए करना चाहिए कि कम से कम अपना शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है। नहीं नहीं, तबीयत खराब हो गया था इसीलिए। अच्छा तबीयत खराब हो गए है। आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग भी बहुत चेहरा चमक रहे हैं, आपका रील वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, आपका वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। जी हम मेहनत कर रहे हैं तो अपने मैथिली इंडस्ट्री को, अंगिका को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक बढ़ाने का कोशिश कर। रिमझिम जी आपका तो पूरा बिहार आप पर दीवाना है, कहने के आप इतना रील वीडियो इतना कॉमेडी बना रहे हैं, कहने के एक एक वीडियो आपको मिलियन मिलियन जा रहे हैं। भगवान मेरा पति पब्लिक है, पब्लिक प्यार देता है तो हम इसमें क्या करें। कहने को आप कहने का मैथिली को भी कहने के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से आप एक्टिंग करते हैं, इस प्रकार से आप कहीं बहू की एक्टिंग करते हैं, कोई माँ की एक्टिंग करते हैं, वायरल लगातार आपका वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक दो को आप वो स्टाइल में थोड़ा बताइए, जिस स्टाइल में आप माँ के रोल करते हैं, बहू के रोल करते हैं, एक दो टुक मारिए ताकि दोनों आदमी मिल करके। हाँ देखिए यही हमारे बिहार का संस्कार है। देखिए पल्लू किस प्रकार से सर के ऊपर ले लिया, इससे लगते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं हमारे बिहार का बहू और कहीं ना कहीं इस प्रकार से रहते हैं। हाँ। बोलिए थोड़ा सा एक्टिंग करिए। रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी का? हाँ बेटा बोल ना रे। खाल दिन बहुत जोर से भूख लागल छो। खाल देख ने बापे की न चली गलो ऊपर या छोरा ने नौनी के देले छो अथी परवल कलियो नौने ल परवल के तरुआ बनाय दथियो ने देलको नौनी के, मैं की करियो बताओ ने, तोरा कह छियो तहु बात हमरो ने सुनै छै। एक मां? हां बोल बेटा। हम बापो कोरिया छोरा कहने कह छै तोने बोलियो बाप गोसाइए जी तो तुरंत है मैं तो तुआ कोरिया छोरा कब हम बाप एक नाम ने छके कोरिया छोरा की वा उना गेलो छै तो की उन्हें गलन छ रे? गलन छ? हां देखिए क्या एक्टिंग है, बच्चा को मतलब पटार देता है। देखिए जैसे एक बकलोल बेटा रहता है तो अब वो समझता नहीं कि गाली ताली है। जैसे एक छोटा सा क्लिप अभी फिलहाल है, जैसे तो एक गांव में एक बाप रहता है, डिंग फॉल खूब देता है कि हमरो बेटा जी छे बहुत ही जी छे अच्छा छे और जे कि वहां जी छे संस्कार ओकरा में भरलो छे। तो एक बाप उसको कॉल लगाता है, तो बाप कॉल लगाता है तो बाप एक आदमी से विवाद हो जाता है कि हमरो बेटा एतो छे पढ़लो लिखलो छे संस्कार भरलो छे हमरा अंदर, हमरो बेटा के अंदर हमरो वाला संस्कार छे। तो बाप कॉल लगाता है, हेलो बेटा रे की हाल छो रे? बेटा उधर से जवाब देता है,
की हाल छे मादर चोद बाप, यही संस्कार है। ये चीज थोड़ा कॉमेडी है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। होता है रियल बात है, कहने की हमारे बिहार का जो कल्चर होता है, कहने के कई जगह ऐसे ऐसे बेटा भी नालायक निकल जाते हैं। जो आदमी जो साथ में रहता है वो बोलता है यह थोड़ा संस्कार छून बेटा के। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं रिमझिम थोड़ा सा और एक दो तो आप ऐसे रोल करिए, ताकि रोल ही आप लोगों के कहीं ना कहीं जो कॉमेडी रोल है यही रोल हमारे बिहार में कहीं आपका वायरल होते हैं। इस रोल एक दो तो दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए रोल तो बहुत है लेकिन उसमें याद नहीं है। बताइए हमारे लोगों का बिहार का संस्कार, देखिए रोल इतना कर रहे अभी तक इसको याद नहीं है। देखिए रोल है थोड़ा सा, रोल इतना वीडियो किए हैं, इतना में कौन बोले मन भी बौला हो जाता है। सही बात है। और अभी बताते हैं थोड़ा सा क्लिप है तो अच्छा गेरिम जी, बहुत दिन से हम तोरा चाहे छियो तो हमरो जोन बन भी। हमरो बाप के तो चिन्हय छै, अत्ता चप्पल मो मारतो ने थोड़े फुलाय देतो। अ थोड़ फुली जतो कुछ करन की कट तू है खपम सीधे कर दू देखवा भी आ ऐसे ही कुछ। थैंक यू, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में अक्सर ये चीज होता है, कहीं ना कहीं जो लवर होते हैं जो प्यार मोहब्बत करते हैं अक्सर ये चीज देखने को मिलता है। वही कल वही चीज कल ना आप लोग प्रोस कर दिखाते हैं, हमारे बिहार में अक्सर ये होता है। इसमें कोई देखिए ये बात सही है कि इस प्रकार का मतलब जो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, लेकिन इस करके दिखाते हमारे बिहार में अक्सर ये चीज घटना हमेशा घटते रहते हैं। जो आजकल के प्यार करने वाला है ना, वो बोलते हैं कि हम 5 साल 10 साल से प्यार करते हैं, प्यार क्या करेंगे यही खेला ज्यादातर होता है जी। वही आप लोग दिखाते हैं अक्सर करके। अच्छा आप लोगों का अभी जो शूटिंग हो रहा है कौन कौन सी चीज की शूटिंग हो रहा है? अभी देखिए बोल अति बोलम का हो गया, धन रोपनी हुआ, बहुत सा शूटिंग धन रोपनी। अच्छा रिमझिम जी आप लोग इस चीज का प्रैक्टिस करते हैं कि आप लोग बनाते हैं? तो नहीं देखिए प्रैक्टिस नहीं करते, करते करते खुद प्रैक्टिस हो जाता है ना। कोई भी काम कीजिएगा तो पहले हमको शर्म लगता था किसी के सामने एक्टिंग करने में, अब नहीं लगता। आप तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज करते 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 आपके अंदर में वो जज्बा हो गया, मतलब कि नहीं आप मुझे कोई दिक्कत है। जैसे आप अभी हमके पास आपके पास आए इंटरव्यू लेने के, खास करके आप लोग हमारे साथ भी नहीं बोल सकते लेकिन आप लोग प्रैक्टिस हो गया कुछ भी बोल देते हैं। आप जिस तरह से आए लगा कि हम कुछ मतलब जो है नहीं, कहीं ना कहीं हमको पता लगा कि आप दोनों यहाँ छुपे हुए हैं, हम सोचे कि नहीं कम से कम आपको दिखाना चाहिए। आखिर हमारे बिहार के और खास करके मिथिलांचल को कहीं ना आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना भोजपुरी हिंदी हमारे बिहार में तो है ही है लेकिन मैथिली को जो जगह मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है। आप लोग कहीं ना उस चीज को कहीं ना दर्शा रहे, दर्शकों के प्यार दुलार दिलवा कोशिश कर रहे हैं और जीवन भर कोशिश करते रहेंगे। और सबसे पहली बात तो जिस तरह आप लोग मैथिली भोजपुरी को प्यार दे रहे हैं उसी तरह जी, और जरूर है कि एक ना एक दिन मैथिली अच्छे लेवल तक पहुंचेगा। अच्छा रिमझिम जी आपको क्या लग रहे हैं आगे, आपको कहां तक जाने का प्रयास है कि आप मतलब क्या चीज आप आगे कहां तक आप देख रहे हैं कि अपना सपना कहां तक आप बना के रखे हैं? मेरा सपना पूरा है, जहाँ तक समझ लीजिए कि हमको हीरोइन बनना है। हीरोइन बनना है आपको? अगर मान लीजिए तो हम हीरोइन तोरण छिकिया तब तक प्यार भ गेलो देखिए हमको बहुत दूर तक जाना है। देखिए यही होता है जो एक एक्टर को जो अंदर जो जुनून होता है, देखिए कहीं भी आप लोग एक्टिंग करके कहीं ना कहीं उसको दिखा देते हैं कि यहाँ पे रोल कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं। तो आप जैसे अगर आप अभी तक किस किस चीज से ऑफर आए हैं, कोई भोजपुरी फिल्म से कोई शूटिंग आरोप द्वारा नहीं, एक था कोई न्यू लया ही बना रहा था मूवी, बोला था कि उसमें करने के लिए, लेकिन पर्सनल हमको बोला था, इसको नहीं बोला था, तो हम बोले कि नहीं हमको नहीं करना है तो हम दोनों साथ में करें। अच्छा आप जहाँ भी जाइएगा दोनों साथ में ही आप लोग साथ हैं कि नहीं? देखिए हमको ही आगे बढ़ाया है, हम इसको कैसे छोड़ देंगे। बिल्कुल यही तो हमारे संस्कार है हम लोगों का मिथिलांचल में, जो आपको कहीं ना आपको गुरु होते जो आपको सिखाते जो कहीं ना आगे बढ़ाते उनको आप छोड़ना नहीं चाहते। बात ये कि आप आगे में जो कि अभी जो शूट हो रहा है आप किसके ऊपर किस कैसी किस तरीका से शूट कर रहे हैं? कोई जैसे 15 अगस्त है सचिव के ऊपर 15 अगस्त का करेंगे शूटिंग, अभी नहीं हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी जो कब आए हैं यहाँ पे, कब से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? यहाँ 1.5 साल से इसी जगह पर इस जगह नहीं रहते हैं, आलमनगर में। तो ही मेरा जो कैमरा मैन और थंबनेल और कोई भी अवसर पे थंबनेल बनाना हो या पोस्टर बनाना हो डिजाइनिंग बहुत अच्छा बनाता है। इसीलिए यहाँ पे कल आए परसों आए हैं, ये तो आज शूटिंग के लिए है। यहाँ पे शूट होगा अभी? जी शूट होगा अभी। कौन 15 अगस्त का?
जी नहीं, अभी दूसरा होगा शूट। अच्छा, आप लोग गाना उना गाते हैं क्या? जी नहीं, गाना गाना नहीं गाते हैं। रिमझिम जी, आपको एक दो ठो एक्टिंग करके ताकि कॉमेडी दिखा दीजिए। और गाना ही गाई है? गाना गाई है जी, गाना गाई है। गाना कहाँ गाए? बचपन मतलब आज से लगभग हो गया शुरू, जिसे इतना था न लगभग जब जखनिया जे छे ना आई इंडस्ट्री में घुसले रे तखनिया गेने छे भाई जी पूछो सही। अच्छा, गाना गा के एक ठो सुना दीजिए ना और दर्शकों को आपकी गाना में। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि दर्शक बहुत प्यार देंगे, आप गाना सुनाइएगा तो। नहीं, टाइम नहीं मिल सकता इसलिए गाना नहीं गाते हैं। जो गाएंगे, अरे आप मैथिली में गा दीजिए ना, जिसने आ उसने गा दीजिए, आपकी आवाज में जादू है। एक उषा यादव का सॉन्ग था, उसी का लिए थे, सुनाइए। कॉपी किए थे। की बताइयो मम्मी अपन ससुरा के बात गे, दिल करे छो छोड़ दियो मुनसा के साथ। की कला मुनसा छकी गए ते अनह तू को बाल बच्चा भ गेलो, यही था। चलिए, कहीं ना कहीं हर लाइन में लोग कॉमेडी निकाल ही देते हैं, चाहे जैसे भी गाना हो, जैसे भी कुछ भी हो, लेकिन गाना कॉमेडी निकाल देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिट्टू जी, ये बताइए कि आपका शादी उदी हो गया है क्या? नहीं, शादी नहीं हुआ है। तो आप लोग को लग गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं है? जी, कौन है गर्लफ्रेंड आपका? वो गर्लफ्रेंड एक छोटी सी बकरी है तो गर्लफ्रेंड नहीं है भैया। और इसे दिल पर मत लीजिएगा। अच्छा, रिमझिम जी, आपका शादी उदी हो गया है? नहीं, सिंदूर नहीं पहनते। अच्छा, होता है ना, आजकल जो एक्टिंग करने वाला होता है हर तरह का एक्टिंग करता है, आप ही बताए। ये जरूरी थोड़ी है कि सिंदूर पहनेंगे तभी उसका शादी होता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जो शादी की है या नहीं पहनती हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन सिंदूर पहनना चाहिए। फैशन भी हो गया ना अंदर में लेकर जी, नहीं जो करती है। भारत का सबसे संस्कार यही चीज है लड़की के लिए, लेडीज। अच्छा, आप तो शादी करने का उम्र भी हो गया, कब आप शादी कर रहे हैं? दर्शकों को कब बता सकते शादी वगैरह? देखिए, शादी होगा तो दर्शक को जरूर बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हरदम मजाक नहीं चले थे सुनना, अभी नहीं करेंगे शादी, अभी बहुत दिन। अच्छा, अभी शादी नहीं करना है, मतलब जो की देखिए आज कहीं ना कहीं आपको अगर आपको तमन्ना हो किसी से शादी करना हो, किसी का पसंद करते, ऐसे कोई है आपके नजर में? नहीं, अभी तो नहीं है। होगा तो मम्मी को बोल दे। मम्मी को बोल दीजिएगा। दर्शक को जो आपको प्यार दुलार उसको नहीं बताइएगा? उसको भी बताएंगे, जो नेगा नहीं की। वो बात तो सही है। अच्छा, आप कब तक आपका शादी करने का, कितना साल के बाद करना है? हम मेरे हिसाब से 5-6 साल। 5-6 साल? 5-6 साल में आपको क्या लग रहा है कहाँ तक आप पहुँच पाइएगा? देखिए, मेहनत तो कर रहे, आगे का भविष्य तो हम नहीं जानते क्या होगा आगे, क्या होगा कुछ नहीं? भी हो, हम लोग मेहनत करते। अच्छा, एक चीज बताइए रिमझिम जी, आप जिस लाइन में अभी मान के चलिए अभी आप आए हुए हैं, आपकी घर बोल रहे हैं कि बेगूसराय बता रहे हैं जी? नहीं, खगड़िया। आप कहीं ना कहीं घर से दूर हैं, आपकी घर वाले वाले घर के आदमी का क्या रिएक्शन है? आपको दूर जैसे जाते हैं उस घर का आदमी आपको कुछ बोलते नहीं है? नहीं, देखिए मम्मी भी आई थी, फिलहाल तबीयत खराब हुआ था तो आई थी, और फिलहाल बगल में बर्थडे है मेरा, उसमें भी आ रही है। अच्छा, आपके बर्थडे हैं? चार बर्थडे में हम लोग बुला रहे हैं, जो भी देख रहे हैं जरूर आइएगा। एक खास बात बता देते हैं, अद्भुत और आश्चर्यजनक बात, हम दोनों का बर्थडे है एक ही दिन है। हाँ, बताइए क्या ये गुड न्यूज है, दोनों का एक ही दिन? और आप लोग गलत नहीं सोचो भाई जी, कई दलियों। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आप जब इस लाइन में आए थे उस समय आपके घर वाले का सपोर्ट था क्या इस लाइन में? मेरा मम्मी पापा, मतलब कि मेरा परिवार पूरा सपोर्ट था। अच्छा, जैसे कि आप कहीं दूर रहते हैं, आपकी जो गांव का आदमी है उसका कोई जैसे कि बोलते हैं कि आपका बेटी है? हाँ, इतना दूर दूर तक जाते हैं? गांव का आदमी बोलता है, बोलता है, लेकिन उसको दिमाग में नहीं लेते हम। देखिए, जैसे कि अभी मान के चलिए कोई रोल कर लेते हैं पति पत्नी का, इससे आपकी घर के आदमी को बोलता होगा देखिए आपका बेटी घर से बाहर रहते हैं, पति पत्नी का रोल करते हैं? वो बोलता तो हमको उससे क्या मतलब? सबसे पहली बात हम इनका उत्तर देते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, ये समाज में एक अच्छा काम कर रही है और मैथिली इंडस्ट्री को आगे लेके जा रही है, और दूसरा बात है कि ये समाज में शिक्षा दे रही है। गलत तो काम नहीं कर रही है, शिक्षा देना कोई नहीं कर रहा है, और ऊपर से यही खगड़िया जिला का नाम आगे कर रहे हैं। और देखिए, गलत क्या है? गलत ये चीज नहीं है, गलत आप वीडियो बना रहे हैं, गलत समाज को शिक्षा देना गलत बात है। आदमी का सोच है, सोचने दीजिए। और सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे, मैथिली इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, छोटा हो या बड़े हैं भैया, सब मिलजुल के काम कीजिए और मैथिली इंडस्ट्री को आगे बढ़ाइए। मैथिली हो, अंगिका हो, हम लोग दोनों भाषा बनाते हैं, मैथिली अंगिका दोनों।
चलिए हमारे मैथिली और अंगिका को जो भाषा को आप लोग इतना बड़े लेवल पे ले जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आखिरी बार आप कोई ऐसा रोल करिए कॉमेडी ताकि हमारा दर्शकों को मन में लुभा जाए। आपको कोई याद है, याद करके आप बताइए थोड़ा। एक अच्छा एगो बात बता, तो शादी करवा तो पति ज्यादा लवर के चाहवा या हमरा? अरे कोरिया जब शादी होते तो पति के चाहे, पति सब स्वाती खुशी पूरे सब चीज नोनी तो नहीं देते तोरा हम अपन चीज कर। पति के जब चाहे सब चीज पूरा के देते तो हम जो पूरा के देबो तो हमारे पति नहीं मोनी लेबी? हमरा माय बाप तोरा काती तरह रखिए न देते। अरे तोरा लेली कतल भी तैयार छी हमे, देखिए कहीं ना कहीं रोल आप लोग शायद आपको कहीं ना कहीं जरूर आपको यही दोनों का इसी चीज पे हमारे बिहार कहीं ना कहीं दोनों का रोल जो देखते हैं ये बिल्कुल हमारे दर्शकों का लुभाते हैं और इसी का प्यार दुलार आशीर्वाद इन लोगों को देते हैं। आज इस लेवल पे आए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत ऊपर तक जाए ताकि हमारा बिहार की धरती पे आप लोग। और हम लोग से हम फिर बोल रहे हैं, लगभग जितना भी मीडिया वाला भाई आते हैं सभी को बोलते हैं अगर मेरा वीडियो में कोई सा त्रुटि हो छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा, और जहाँ गलती है तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए भैया इस टाइप इस जगह गलत किए हैं ऐसे बनाइए। और उसके बाद और अगर आपको कोई सा आधार पे वीडियो बनवाना हो या सोचते हैं कि बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अपने जो समाज के लिए, तो उस आधार पे जरूर बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को आप प्यार दुलार आशीर्वाद इसी तरह से देते रहिए ताकि हमारे बिहार के नाम रोशन करें। और तब तक के लिए आप देखते रहिए हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद जय भारत।